संगम त्यक्त्वा, तो ऐसे दुष्ट लोगों का संग त्याग के जो हरि से विमुख है उनका त्याग कर देना चाहिए और यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान तप भी करो और दुष्टों का संग भी करो तो ऐसे ही जैसे नदी में स्नान करता है हाथी और बाहर निकल के फिर धूल अपनी सूंड से धूल में शरीर बिगाड़ लेता है धूल डाल के। तुमने कुछ किया यज्ञ दान तप और फिर बुरी संगत में आके उनको बराबर हो गया, कोई फल नहीं मिलेगा। संगम तक तो फलानी च, उनका फल की तो इच्छा ही नहीं करे कि इसके करने से मुझे मीठा फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लोग वाह वाह करेंगे, या दान दूंगा तो टाइल्स पे मेरा भी कमल पत्र पे नाम लिखा जाएगा। लोग बड़े बड़े लुभावने लोभ देते हैं कि कमल पत्र बनेगा जी 108 पंखड़ियों वाला, तो 11,000 रुपए देने वालों का उन 108 पंखड़ियों पर उनका नाम, उनके बाबा का नाम, उनका पिता का नाम लिखा जाएगा। तो आप भी दीजिए, मार्बल का कमल पत्र बनाएंगे बड़ा। बिड़ला मंदिर बनेगा, बिड़ला जी का नाम दरवाजे पर होगा, बिड़ला मंदिर, अंदर भगवान है, चाहे लक्ष्मी नारायण है या देव नारायण है या राधा कृष्ण है या सीता राम है, लेकिन दरवाजे के ऊपर यही होगा कि बिड़ला मंदिर। अब तो समझ गए, तो ये बिड़ला मंदिर बनने का मतलब है कि आपको अपना नाम की प्रसिद्धि चाहिए, उस प्रसिद्धि से आपका व्यापार और बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी हर तरह से आपका व्यापार में वृद्धि होगी, आपका नाम रोशन होगा, आपकी पीढ़ियों तक ये नाम चलेगा, 7 पीढ़ियों तक। ये फल की इच्छा, ये रजोगुण है, सतोगुण नहीं है, फल की इच्छा नहीं। और दुष्ट जनों का संग नहीं करना चाहिए, हरि विमुख का संग कभी नहीं करे, जो हरि के विरुद्ध नास्तिक है, आसुरी स्वभाव का है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ, ए प्रतापुत्र अर्जुन, ये मेरी कर्तव्य की नीति है कि कैसे कर्तव्य करना चाहिए, इस नीति से कर्तव्य करनी चाहिए कि कर्तव्य करते हुए दुष्टों का संग न करे और फल का संग न, फल के आशा न करे। दुष्ट क्या है, ये हमारी इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स जो है ये भी दुष्ट हैं, इंद्रिय तृप्ति जो करवाते हैं, रूप देख के मोहित हो जाते हैं, या तरह तरह के स्वादों में रसना तृप्त रहती है, मन डोलता है, इधर उधर मचलता, ये सब ये भी ये दुष्ट हैं, इनका संग नहीं करना चाहिए, दुष्ट विचारों का संग नहीं करना चाहिए, दुष्ट विचार ही दुष्ट हैं। कोई दुष्ट विचार उठे तो उसको त्याग देना चाहिए कि नहीं भाई तू कहां से आ गया, नहीं, अच्छे विचारों का संग करना चाहिए जो आपको प्रसन्न करते हो, जो सत्पुरुषों में ले जाते हो, जो सत्पथ पर ले जाते हो, जो भगवान के धाम की ओर जाने का रास्ता बतलाते हो, ऐसे विचारों को जो आपकी भावना को पवित्र करने के काम आते हो, ऐसे विचारों को तो संभाल के रखना चाहिए, लेकिन कोई दुष्ट विचार उठे तो उसको त्याग देना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। इससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा उत्तम मत है, उत्तम मध्यम और निकृष्ट, ये निकृष्ट नहीं मध्यम नहीं उत्तम श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ पीछे विद्वान बोले, अनुभव गम्य बोले, मनीषी बोले, महापुरुष, भगवान कहते ये सबसे जो मैं बोल रहा हूं ये सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मत है, इससे उत्तम मत कोई नहीं हो सकता। एतान्यपि तु कर्माणि, इनको कर्म समझ के करना चाहिए, क्या
यज्ञ दान और तप। अब जब हम प्रैक्टिकल इनको करेंगे तभी इसका अनुभव होगा कि वास्तव में आपकी इनसे पवित्रता होती है, अवश्य होगी, अवश्य होगी। धन पवित्र दिए दान, आपका धन भी पवित्र हो जाएगा। दान नहीं करेंगे वो सड़ जाएगा, उधर ही रखा हुआ, आपको भी सड़ा देगा, आपके विचारों को सड़ा देगा, आपके हर तरह से बदबू फैला देगा। इसलिए लोभ नरक का कारण बन जाता है। नहीं, दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र हरि नाम सु, और धन पवित्र दिए दान। अनूप जलौटा जी ने गाया ने बहुत सुंदरता से। नहीं, दान और यज्ञ और तप, वाणी का तप, मन का तप, शरीर का तप, निचोड़ है, सारांश है। आप शुद्धता से जीवन जिए और जो भी करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें, भगवत भावित बने, बिकम ए कृष्णा कॉन्शियस। उस भगवान की आपकी भावना में वो परमात्मा समा हमेशा वास करे, ऐसे कर्म करें कि आपको भगवान से, ऐसे कर्म ना करें कि आपको भगवान से बहुत दूर ले जाए, उसमें आपको नुकसान ही नुकसान है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि वो सन्यास सन्यास नहीं है। सन्यास की नियत से तो सन्यास धारण करता है और कर्मों का त्याग करता है, ये तो सन्यास नहीं है। इसमें सन्यास का फल नहीं मिलेगा। सन्यासी को भी अपने कर्तव्य करनी चाहिए, गृहस्थी को भी अपने कर्तव्य करनी चाहिए, वानप्रस्थी को भी और ब्रह्मचारी को भी, इन सभी को कर्म तो करना चाहिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू कर्म नहीं करेगा तो क्या खाएगा, तेरा पेट कैसे भरेगा? कर्म तो करना पड़ेगा वरना तेरा निर्वाह कैसे होगा? कर्मों की दशा सुधारने के लिए ये उपदेश किए जा रहे हैं। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम, इनका त्याग नहीं करना, ये तो तुमको पवित्र करते हैं। इनका त्याग कर दिया फिर चाहे जिंदगी भर तुम रात और दिन लगे रहो भूतों की तरह काम करने और बन जाओ अरबपति खरबपति, लेकिन तुमने सब खो दिया, तुमने पवित्रता खो दी, सब कुछ खो दिया, तुमने भगवान को खो दिया, सब कुछ खो दिया, अंधेरे में चले गए, अंधकार में चले गए, क्या करोगे उन अरबों रुपयों का, खरबों का? पूरा विश्व ही तुम्हारी झोली में डाल दिया जाए और भगवान को भुला दो तो आपने सब कुछ भुला दिया, कुछ खाक भी नहीं रहा फिर आपके पास। पूरा विश्व का धन भी आपके खजाने में रख दिया जाए और भगवान को दूर कर दिया जाए तो क्या बचा आपके पास? खाक। और पूरा विश्व भी त्याग दिया जाए और भगवान को, भगवान के चरण पकड़ लिए जाए तो आपने सब कुछ पकड़ लिया, आपने अपनी पवित्रता खो दी तो सब कुछ खो दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। जय गोपाल। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अभी भगवान ने ये त्याग को जैसे तमोगुण रजोगुण सतोगुण ऐसे कहा गया है, ऐसे दिया है, समझा रहे हैं कि त्याग भी तीन प्रकार का होता है। कोई मोह के कारण त्याग कर देता है, तमोगुणी त्याग कहा है, ऐसे रजोगुणी त्याग है,